अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का व्लॉग। जैसे कि हर जगह मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए हम इस नेट का यूज़ करते हैं जो कि बेड के चारों तरफ लग जाती है इजीली। तो मैंने उसे ही सबसे पहले फोल्ड करके रखा है ताकि मैं बेड ठीक से सेट कर सकूं। तो ये मैं बेडशीट वगैरह को एक बार झाड़ लूँगी अच्छे से, उसके बाद में मैं इसे सेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और मेरे बेटे की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, उसके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, तो वो भी घर पर ही था और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं साइड पर। तो क्लीनिंग हमारा हो गया है कंप्लीट, उसके बाद में हम करने लगे हैं नाश्ता। तो ये मैं बिरयानी गरम कर रही हूँ और ये दूध मैं इस बोल में ठंडा करूँगी और उसमें मैंने रस डाले हैं जो कि मेरे बेटे को पसंद है इस तरह से खाना। और दो ब्रेड मैंने पीनट बटर के लगाए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और ये पीनट बटर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें हल्का सा क्रंची है और इसका फ्लेवर भी क्रंची है, मैंने बताया भी था आपको। तो मैंने दो ब्रेड ये लगा लिए हैं पीनट बटर के और ये हो गया हमारा नाश्ता रेडी। तो अब हम दोनों मिलके नाश्ता करने लगे हैं। और अभी काफ़ी दिन से मैंने जैसे दूध या फैट वाली कोई भी चीज़ें मैंने लेनी बंद कर रखी थी, बट अभी मैंने दूध लेना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे मैं अपनी डाइट में ऐड ऑन कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। और मैं फुल कप दूध नहीं लेती हूँ, मैं आधा कप ही दूध लेती हूँ। और हम दोनों ने सुकून से बैठकर नाश्ता कर लिया है और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके गए हैं सुबह। और उसके बाद क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर किया जाए आज। तो मैंने ये निकाले हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। तो अभी जो मैंने दिखाया था वो रोज़ का स्क्रब था गुड वाइब्स का और ये सेकंड जेल है ऑरेंज जेल गुड वाइब्स का। और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। और इसमें एक क्रीम भी थी कोकोनट क्रीम जो मैंने अभी दिखाई थी आपको। और ये रोज़ पेटल फेस पैक है जिसमें काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। ये देखें रोज़ पेटल के इसमें पैक है, इसको आप पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये पैक ही है। और ये तीनों चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, स्क्रब क्रीम और जेल। उसके बाद मेरा पैक रह गया था अप्लाई करने के लिए। और ये है गुड वाइब्स का ही रोज टोनर और अभी मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल दिखाया था आपको। और ये टोनर को और जेल को मैं फ्रिज में रखती हूँ स्टोर करके हमेशा, तब मुझे अप्लाई करना होता है कभी भी तो मैं उसे फ्रिज से निकाल कर ही फेस पर अप्लाई करती हूँ, तो काफ़ी फ्रेश फील होता है। और ये मैंने एक बोल में मैंने फेस पैक ले लिया है पाउडर रोज़ पेटल गुड वाइब्स का। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया है इसमें और थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है और इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने वाटर भी ऐड किया है।
इसका मैंने मास्क बना लिया है और इसे मैं अप्लाई करूंगी फेस पर। तो ये देखें, मैं फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। और ये मैं नहाकर आ चुकी हूँ, बट मुझे बाद में टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने सोचा स्किन को पैम्पर किया जाए, तो मैंने अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर किया है इस बचे हुए टाइम में। और ये फेस पैक मेरा अप्लाई हो चुका है और मैं इसे छोड़ूंगी 10 मिनट्स के लिए। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसे वॉश कर लिया है और एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। तो अभी हम आए हैं मार्केट, हमें कुछ काम था मार्केट से, तो अभी हम आए हैं मार्केट। तो वहाँ पर मुझे एक शॉप पर फ्रूट एंड वेजिटेबल वाली बास्केट दिखाई दी। इस शॉप पर कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैं जस्ट बराबर वाली शॉप पर आई हूँ। वहाँ पर इसके कलर्स थे बट प्राइस बहुत ज़्यादा थे इसके, 300 प्राइस था इसका। मुझे तो प्राइस बहुत ज़्यादा लगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा। और तो मैंने ये बास्केट नहीं खरीदी है। तो हम आ गए थे वापस, तो रास्ते में से मेरे हस्बैंड ने कुछ स्वीट्स खरीदी थी। और ये देखिए, मैंने बनाए हैं एग करी कोफ्ते, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 एग्स को बॉईल करके रख लिया है, ये देखें। और एक एग टूट भी गया था मुझसे, बट उनको तोड़ना ही था लास्ट में, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। तो मैंने थोड़ी सी 2 ऑनियन कट की हैं, बारीक चॉप की हैं मैंने, और मैंने 3-4 चिली कट की हैं, ग्रीन चिली, और थोड़े से मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी कट किया है। और एक अंडा मैंने कच्चा रखा है, जो कि हमने बॉईल नहीं किया था, वो मैंने बचा के रखा है। और हमें लेना है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। तो अब शुरू करते हैं। और मैंने इन्हें एक बोल ले लिया है इनके लिए, इन्हें मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, तो इन्हें मैश कर लूँगी मैं। तो स्पून से अच्छे से नहीं हो रहे थे, तो फिर आ गए हैं अपने देसी जुगाड़ पर, तो मैंने हाथ से ही इन्हें मैश किया है। तो इन्हें अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी ऑनियन, और मैंने ग्रीन चिली इसमें डाल ली हैं, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा था वो भी ऐड कर लिया है। थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सॉल्ट इसमें ऐड किया है। और जो मैंने एक कच्चा अंडा जो मैंने बचा के रखा था यहाँ पर, वो मैं ऐड करूँगी। और थोड़ा सा हरा धनिया मुझको बचाना है, जब डिश आउट हम करेंगे तब हमें ऊपर से स्प्रिंकल करना होगा उसे। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूँगी। और मैंने पैन भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है 3-4 चम्मच बेसन। और ये देखें, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल, जो कि
मैंने पका के रखा है पहले से ही, तो मैं वो ले लूँगी। और कोशिश करें कि पैन नॉन स्टिकी लें ताकि आपके जो एग कोफ्ता हैं ये चिपके नहीं। तो मैं इन्हें पैन में डालते जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कोफ्ते का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, एज यू विश, बट मैंने मीडियम साइज़ रखा है। तो पैन में मैं डाल के इसको, और थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी यहाँ पर ताकि कोफ्ते लगे नहीं पैन में। सरसों के तेल की जगह आप रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों के तेल में जो भी डिश का फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी डिश बन के तैयार होती है सरसों के तेल के फ्लेवर से। तो इसलिए मुझे सरसों के तेल में सब्जियां बनाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में सब्जियां बनाएं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, क्योंकि उसकी खुशबू एक अलग ही लेवल की होती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, एक साइड से हमारे कोफ्ते ब्राउन हो चुके हैं, अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है, तो मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया है और मैं इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लूँगी ताकि इसमें एक लेयर आ जाए क्रिस्पी सी। आप चाहें अगर तो इसमें थोड़ा सा अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने स्किप किया है, मैंने नहीं ऐड किया है। मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, आप चाहें तो उसकी जगह थोड़ा सा अरारोट ऐड कर सकते हैं। तो ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम इन्हें धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो अब जो बाकी हमारा मिक्सचर रह गया था, तो अब हम उसे भी इसमें डाल लेंगे कोफ्ते बनाकर। और अगर हम इसमें कच्चा अंडा ऐड नहीं करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और ये फट जाएंगे, कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप कच्चे अंडे को स्किप नहीं कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर डालना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर शैलो फ्राई ही करना पसंद करती हूँ, जो चीज़ शैलो फ्राई हो सकती है उसको। तो ये देखें, कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इनका। अब हम इसके लिए इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो मैंने ले लिया है बड़ा पैन और उसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, और उसमें डाल लिया है मैंने अगेन मस्टर्ड ऑयल, साबुत गरम मसाले, जो कि मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और दो लौंग, तीन चार काली मिर्चें और एक इलायची हरी वाली। और
मस्टर्ड ऑयल अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो उसे अच्छे से उसकी स्मेल ज़रूर निकालें, अच्छे से उसको पकाएं, तभी उसमें मसाले ऐड करें। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से पका के और तभी ये मसाला इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और उसके बाद में मैंने उसको एक बार अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है मैंने, और सॉल्ट मैंने थोड़ा ही ऐड किया है क्योंकि मैंने कोफ्तों में भी सॉल्ट डाला था, इसलिए इसमें हम कम ही सॉल्ट रखेंगे। तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है दही, और दही को अच्छे से फेंट कर डालें। नहीं तो इस पे लम्स पड़ जाएंगे और ये अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए दही को हमेशा फेंट कर ही डालें। तो ये देखें ग्रेवी हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसमें वाटर ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें ऑयल छोड़ दिया है पैन ने और उसमें मैंने ऐड किया है वाटर। आप अपने अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक साइड पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। मेरे हस्बैंड आ चुके थे साइड से और उन्हें भूख भी लगी थी काफ़ी, तो जल्दी जल्दी से मैं एक साइड पर रोटियाँ बना लूँगी। और ये हमारी ग्रेवी हो गई है बिल्कुल रेडी। उसमें जो मैंने पानी ऐड किया था वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है काफ़ी देर से, 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल किया है और उसमें मैंने ये सारे कोफ्ते ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद मैं इसे उठाकर अच्छे से हिला लूँगी बिना करछी से चलाए, और उसके बाद में ये मेरी रोटियाँ तैयार होती जा रही हैं। और अपने एग कोफ्तों को भी हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और साथ में मैं ये रोटियां भी बनाते जा रही हूँ ताकि दोनों काम मेरे साथ साथ में ही फिनिश हो जाएं। और इसके बीच में मैंने थोड़ी सी प्याज सैलेड में काट के रखी थी। और ये देखें डिश बनकर हमारी रेडी है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी, ये देखें। लग रही है ना एकदम डिलीशियस एग कोफ्ते। और इसे प्याज के साथ खाएं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।